तेरा बन जाए। कौनू, तकलीफ तो नहीं है ना साली सर? कुछ भी जरूरत हो तो निसंकोच हमसे कहिएगा। वैसे हम तो ये कहने आए थे कि अम्मा का फोन आया था। बता रही थी कि बाबा को रात में अकेला मत छोड़ना। वैसे भी अभी ठीक से अच्छा नहीं हुआ है तो न जाने कौन जरूरत आ जाए। जाओ ओकरे पास जाओ, उसको भी तुम्हारी जरूरत है। अच्छा ऋषि, हमें कृष्णा के पास रहना होगा। तुम यहीं पर सो जाओ और देखो तुम्हें अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक हमें आवाज लगा देना, हम तुम्हारे पास आ जाएंगे। चलो सो जाओ। देर रात काम में काहे मर रहे हो? आप इसमें सोते रहते हो का? अरे नहीं, एक बहुत ही जरूरी काम आ गया जो सुबह तक पूरा करना है। हम अकेले ही नहीं काम कर रहे हैं, हमारे बॉस भी रात भर जग के काम कर रहे हैं। बस का फोन कभी भी आ सकता है, तुम प्लीज हमें काम करने दो कोमल। अरे तुम्हारे बांस और फल्ली की शादी तो बहुत ही पुरानी हो गई है, हमारी तो ताजी ताजी है ना। तो का चलो ना गुड्डा गुड्डी का खेल खेलते, बहुत ही मजा आएगा। तुम पागल हो गए हो क्या? इतनी रात गए तुम्हें गुड्डे गुड़ियों का खेल खेलना है? कोमल प्लीज जाके सो जाओ, हमें हमारा काम करने दो यार। धत तेरे की, गोबर गणेश कहने में शर्म आती है, बाकी हो वही तुम। अच्छा कितना खुशी की बात है ना कि बाबा और प्रतिज्ञा के बीच में सब कुछ ठीक हो गया है। वैसे ही जैसे सिनेमा में होता है, पहले हीरो हीरोइन ही बात करते हैं, फिर एक दूसरे को नशेड़ी आंखों से एक दूसरे को देखते हैं। बस फिर प्रेम शुरू, पार्क में गाना, मस्ती आके नाचना, गोलगप्पा, परब का गोला नहीं। हमें भी अब उम्मीद है कि दोनों के बीच संबंध सुधर गए होंगे। क्या हुआ? अब तुम्हें भी क्या बर्फ का गोला खाना है, वो भी इतनी रात को? अरे फोन आ गया। यस सर। हाँ जी सर। हेलो सर, एक सेकंड सर, नेटवर्क प्रॉब्लम है, एक सेकंड बाहर आके फोन करो।
बर्फ का गोला नहीं, बर्फ की सिल्ली है हमारा बर्फ। वो हमारी बाबा की जीन गाड़ी पटरी पे आ रही होगी और यहाँ हमारी किस्मत। ससुरी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही है, पता नहीं पेट्रोल भी है या नहीं। मैं लगता है इंजन में ही जाम पड़ा है सारा। हम कह रहे थे कि आपको आरुषि के सामने इतना नहीं बनना चाहिए। वो कहे ना कि वो पढ़ी लिखी लड़की है और आप जो उसका बनाने की कोशिश करते हैं उस सब चाल समझती है। वो ऐसा कुछ नहीं होने देगी जो आप चाहते हैं। ऐसा है रानी कि औरत चाहे कितनी भी पढ़ी लिखी क्यों ना हो लेकिन रहती हमेशा मर्द से पीछे ही है। और वैसे तुम काहे उके पढ़ाई लिखाई का गुणगान कर रही हो, हैं? मुंह दबाई के सो जाओ चुपचाप। हम तो बस ये लिए डरते हैं कि कृष्णा भैया को पता चल गया तो क्या होगा? नहीं का होगा जाएगा उनका। आजकल हमको छोड़कर बाकी सबसे डरने लग गई है का? बाबा को पता चल जाएगा। अरे तो का हो जाएगा, उसकी साली ही तो है, थोड़ी हंसी मजाक कर ले तो काहे बुरा मान लेगा। आप जो कर रहे हैं वो हंसी मजाक तो नहीं है? वो तो का? अरे वो का है वो? अरे अब हमको तू ही सिखा दे कि उसको क्या कहते हैं। अरे बोल, नहीं तो हेक देंगे, घुमा के दीवार में चिपक जाएगी पोस्टर की जैसे। अरे बात कान खोल कर सुन ले कि जो तुम्हारी जबान है ना ये खुल गई तो तुम्हारे शरीर से ईरान निकाल देंगे, समझी? बुखार अभी भी नहीं उतरा है, ऐसे कैसे चलेगा? पूरी लापरवाही दिखा रहे हो। अब जल्दी से ठीक हो जाओ और फिर जो जिद करनी है कर लेना, लेकिन अभी नहीं। अभी ये दवाइयां ले लो, चलो। अब सो जा। हम तुमको कुछ बोले हैं का? हैं? फिर काय हमरे पीछे पड़ गई? अरे तुम्हारी बहन आई है तो उसके साथ जाके काहे नहीं सोती हो? हमको यहाँ अकेला छोड़ दो, हम ये कमरे में अकेला रहना चाहते हैं। तुम वो जाओ यहाँ से। अगर हम आरुषि के साथ सोएंगे तो फिर तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? अरे तो काहे रख रही हो? मत रखो हमको, हमको क्या आदत नहीं, बहुत बहुत अटपटा लगता है हमको। अभी हम बस यही चाहते हैं कि तुम ये कमरे से जाओ, हम ये बिस्तर पे अकेले सोना चाहते हैं। तुम्हारी ये इच्छा भी हम पूरी कर देते, हम नीचे सो जाएंगे।
तुम्हारे पास पूरा बिस्तर है, आराम से सो जाओ। लेकिन हाँ, अगर रात को किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमें जरूर बता। प्रतिज्ञा बन जाए।